अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मलिक फिरोज और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल लोकल फार्मर। दोस्तों आज की ताज़ा तरीन अपडेट आपको बताते चलें कि फरवरी के अंदर आपको कौन कौन सी फसलें लगानी चाहिए, कौन कौन सी फसलों का जो मौसम है वो शुरू हो चुका है और कौन सी फसल जो है आपको जो अब नुकसान दे सकती है। दोस्तों तीन फसलें अहम फसलें हैं जो आप फरवरी के अंदर लगा सकते हैं और उनसे आप डबल फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों इन तीन फसलों के मुकम्मल नाम आपको बताते चलेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आप ये कौन कौन से इलाकों में लगा सकते हैं। दोस्तों इस वक्त जो फरवरी का खुश्क और धूप निकलने का सख्त मौसम चल रहा है, इन महीनों का फ़ायदा उठाकर लोगों ने काफ़ी मतलब चीज़ें उगानी हैं और उनसे आप क्या फ़ायदा उठा सकते हैं और इसी फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए आप अपना फ़ायदे को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों इन मौसम में तकरीबन फरवरी के मुकम्मल महीने में बारिशों का सिलसिला काफ़ी कम है। धूप और खुश्क मौसम रहने के लिए आपको क्या क्या सब्जियाँ मतलब फसलें उगानी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आपको बता देते चलें कि भारिया मकई जो है उसका ख़ास मौसम है। अगर आप भारिया मकई काश करते हैं तो इसमें आप डबल फ़ायदा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। और दूसरा आप सूरजमुखी की जो फसल है वो भी उसका भी ख़ास मौसम है, सूरजमुखी की जो काश्त है वो भी आप जल्द से जल्द काश्त कर लें क्योंकि इससे भी आपको डबल मुनाफा हो सकता है। दोस्तों आपको दूसरी बात बता देते चलें कि 10 से 15 दिन के बाद आप जो है वो तिल की फसल भी मतलब लगा सकते हैं, उसके जो चौपे वगैरह हैं नगीचे मतलब ज़मीन पर वो भी आप उगा सकते हैं। तो ये छोटी सी मालूमात इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।